अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह के बज गए हैं 12 और ये हो रहा है जी मेरा नाश्ता, मेरा फेवरेट नाश्ता। और एक कप भर के जो है चाय, जब तक एक प्याली जो है ना, प्याली तो नहीं है ये कप है, प्याली नुमा कप है, भर के ना पी लेना, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होती। और बस एग फ्राई किया, दो स्लाइस लिए, बटर लिया। और यहाँ मगर जी आपको क्या लग रहा होगा, अंधेरा अंधेरा के लाइट गई हुई, लेकिन नहीं, लाइट नहीं गई हुई। जो हमारा लिविंग एरिया है ना, टीवी लॉन्च है डाइनिंग टेबल जिस साइड पे है, तो वहाँ ये जो डे लाइट आती है, तो मैं इसलिए दिन को ना लाइट चलाती नहीं हूँ। एक तो जी बिल बहुत आता है, ठीक है, ऐसे सही बात है। दूसरा ये मुझे ना ज़्यादा लाइटें चला के ना बड़ा गर्म गर्म फील होता है, तो इस तरह ना ज़रा जब लाइटें कम हो ना तो बड़ा ठंडा ठंडा माहौल लगता है। तो आप लोग भी बताना, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? रूम्स के भी दिन को मैं कर्टन तो फिर हटा देती हूँ, थोड़ी सी वेंटिलेशन हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक एंड ठाक हूँ। और यहाँ जी बस थोड़ा सा जो मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद जो ना थोड़ा कुछ अपना क्या कहते हैं शक्ल सूरत सही करते हैं, वो मैंने की है। अच्छा यहाँ ना मैं एक दो चीज़ें देख रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मेरे साथ होता क्या। एक्चुअली जो चीज़ मुझे पसंद आती है ना, वो ना ख़त्म हो जाती है, बेशक वो खाने पीने में कोई चीज़ हो या कोई मेकअप की चीज़ हो ना, होता है। चलो पहनने कपड़े जूते तो आउट ऑफ स्टॉक होते ही रहते हैं, बट मेकअप में जो प्रोडक्ट मुझे सूट करने लगती है, सूट तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई साइड इफेक्ट या रिएक्शन तो कभी किसी चीज़ ने नहीं किया, बट जो चीज़ मुझे अच्छी लगने लगती है ना, जब मैंने रीपर्चेजिंग करनी थी, वो ख़त्म हो जाती है, दोबारा होती ही नहीं है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो अभी मैं जो है ना अपनी एक दो चीज़ें देख रही थी मेकअप पे, तो मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ ये कंसीलर, ठीक है। ये जो है ना मैंने बोनैन्ज़ा सतरंगी से लिया था, ठीक है, टॉप फेस का, सही हो गया जी। तो ये वाला, और ये मैंने ना 1.5 साल हो गया है, तो अभी भी इसके अंदर है। अभी मैं आपको इसकी हालत, इसकी ना मैं आपको हालत दिखाऊंगी, ये देखिए ऐसी हुई हुई है। इसके आगे स्पंज होता है, तो वो ना टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो मैंने उतार दिया। तो अब इसको यहाँ से ट्विस्ट करते हैं ना, तो यहाँ से प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। और इस वाले कंसीलर में ना तकरीबन 2 से 3 शेड आते हैं, ज़्यादा आते नहीं हैं, ठीक है। और ये वाला मैंने ये पिछले साल लिया था, लेकिन आई थिंक 1.5 साल हो गया है मुझे इसको कंटिन्यूसली। मैं डेली बेसिस पे ये यूज़ करती हूँ, फाउंडेशन में यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है। और इसका 2 नंबर शेड था, शेड इसमें बहुत कम होते हैं, बट इसकी मैं बात कर रही थी कि क्वान्टिटी इतनी है कि 1.5 साल हो गया है, आप डेली भी थोड़ा थोड़ा अंडर आए और जहाँ आपको लग रहा है यूज़ करें ना, तो ये ख़त्म नहीं होगा। अभी भी इसमें है, अब ये नज़र तो नहीं आ रही प्रोडक्ट कितनी पड़ी है, बट जब मैं इसमें से निकालती हूँ, अभी मैं यही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और 2-3 कंसीलर हैं, लेकिन जब वो मैंने कोई फाउंडेशन के साथ या कोई पार्टी मेकअप करना होता है, शादी वाला, शादी पे जाने के लिए, तब मैं करती हूँ। नॉर्मल जो ना मुझे यही पसंद है, इतना लाइट वेट है और इसको आपको सेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मेरी कम्बिनेशन स्किन है, ड्राई है, तो बिल्कुल मुझे सूट करता है और पैच भी नहीं बनते। और ये जो है ना 2-3 दफ़ा मैं पूछ चुकी हूँ, तो ये मुझे नहीं मिला, ठीक है। होपफुली ये रीस्टॉक कर दें। अच्छा टॉप फेस की ये चीज़ मैंने प्रोडक्ट एक बाय की थी, और एक इनका ये वाला लाइनर, ये मुझे इतना अच्छा लगा था। और ये भी उसी तरह गेन, ये मेरा 1.5-2 साल चला है, ठीक है। तो अभी भी इसमें है, मतलब लग जाता है, लेकिन थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो गया। और ये बिल्कुल ही जो मैट है और वाटरप्रूफ है, बहुत अच्छा है। और ये 1900 आई थिंक मैंने लास्ट ईयर जब लिया था, तो आफ्टर डिस्काउंट लिया था, वैसे इसकी प्राइस 24-25 है, इस तरह कुछ। और ये भी इतने का ही मिलता है, 2000 तक का। अब मे बी रीस्टॉक हों तो प्राइसेस इनकी इंक्रीज हो जाएं। अच्छा जी एक और चीज़, हाँ ये लशेस का जो, ये मेरे पास 2 कलर हैं ब्लश के, ठीक है। इनकी शेल्फ लाइफ जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, और ये भी जो है ना बिल्कुल ख़त्म है, उनकी वेबसाइट पे आ ही नहीं रहे काफ़ी टाइम से। ये भी बहुत अच्छा था क्रीम ब्लश, इसके रिव्यू भी मैंने किया था, इसमें 2 शेड थे, बट ये वाला मेरा ना फेवरेट है, ठीक है, 02, ठीक। तो ये वाली चीज़ भी मुझे नहीं मिली दोबारा। और क्या चीज़ थी, हाँ, और एक दो सन ब्लॉक है, वो मुझे नहीं मिला दोबारा। एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे दोबारा ना री स्टॉक नहीं हुई हैं, मिली नहीं है। बट अच्छा दूसरा मेरे साथ क्या होता है, मेरी जो अक्सर चीज़ें हैं ना, अच्छा मेरे साथ क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ भी होता है कि मेरी ना जितनी भी इस तरह के पैलेट होते हैं ना, इस तरह के यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं। और पता नहीं वेजन वाइल्ड की क्यों होते हैं, मेरा ये वाला भी यहाँ से ब्रेक हो गया, अलग हो गया था। एक इनका और मेरे पास पैलेट था, वो भी हो गया था। ये वाला मेरा इतना प्यारा था, नया था बिल्कुल, ये भी यहाँ से अलग हो गया। तो पता नहीं, हालांकि मेरी चीज़ें तो होती भी इस तरीके से हैं, पड़ी भी, तो उसके बावजूद ये टूट जाती हैं। और ये मेरा वो वाला मेकअप है जो कि मैंने डेली करना था। अच्छा ये वाला ना पाउडर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, ये बहुत अच्छा है। और इसकी जो ना मैंने शेल्फ लाइफ ना सुबह ही देखी, हालांकि 2-3 दफ़ा मैं रिस्टोर कर चुकी हूँ, मतलब कि 30 मंथ इसकी शेल्फ लाइफ है, बड़ा लंबे टाइम चलेगा। और नहीं तो नॉर्मली 6 और 12 ही होता है इनकी ना शेल्फ लाइफ, सही हो गया जी।
बस ये मुझे ना सन ब्लॉक ये या कोई और रीस्टॉक भी करना है। तो ये जी मेरी और ये भी मेरी ख़त्म हो गई है तकरीबन। तो ये चीज़ें थी। और अच्छा ये वाली, हाँ एक गोल्डन रोज़ की ये वाली है हेयर स्टिक, ठीक है। अगर आपको कहीं से भी ग्रे हेयर है या फिर, तो ये उस पर लगा लो ना, या फिर थोड़ी सी आपने बालों में स्ट्रिकिंग की लुक देनी है हाईलाइट्स की, तो इसमें थोड़े थोड़े से इस तरह बालों में अप्लाई कर लो तो बड़ा शेड बालों में आ जाता। तो ये भी मेरी ख़त्म हो गई है, ये भी मुझे नहीं मिल रही। मैंने वेबसाइट से मंगवाई थी बट वहाँ भी एक कलर ही आई थिंक ब्लैक है या ब्राउन है, ये बड़ा ऐश ग्रीन टाइप का कलर से ख़त्म हो गया। तो क्योंकि कलर जो है ना मैं बहुत कम करती हूँ, मतलब महीने बाद, दो महीने बाद या कहीं जाना हो तब, अदरवाइज़ अगर मुझे फील हो रहा हो ना मेरा कहीं ग्रे हेयर है पार्टीशन में या वैसे, तो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। हाँ बस ये चीज़ें थी। तो हाँ ये मेरे साथ होता है, तो मुझे ये दो चीज़ें जो है ना रीस्टॉक करनी है, बट ये अभी तक जो है ना नहीं हुई। तो ये वाला तो बहुत बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है, मतलब एले गर्ल के भी यूज़ किए हैं, इसके अलावा वेज एंड वाइट के हो गए, और भी उनकी क्वांटिटी इतनी नहीं होती, ठीक है। और अच्छा ये वाला जो था ना कंसीलर मेबलिन का ये मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगता। ये वाला बहुत ड्राई करता है, मतलब कि जिनकी ऑयली स्किन है उसके लिए ठीक है, मतलब ये मेरी जैसे कम्बिनेशन ड्राई स्किन है ना, तो ये बड़े पैची सी कर देता है। तो बस मेरा इतना सा पड़ा हुआ, देखें ये मैंने ख़त्म ही नहीं किया, और ये है बहुत ज़्यादा, इसकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं। अब तो सारे कंसीलर ये आपको जो 2000 के ऊपर के ही मिलते हैं अच्छे, बट ये जो बोनेंजा वाला ना ये कंसीलर ये बहुत बेस्ट है। तो अब मैं दोबारा जाऊँगी, ट्राई करूँगी, अगर ये मुझे मिल गया तो मैं ले लूँ। मतलब मैं दो दफ़ा तो पूछ चुकी हूँ, लाइनर भी मुझे नहीं मिला और ये भी मुझे नहीं मिला, तो मुझे बड़ा फिर वो अफसोस होता है कि जो चीज़ें। अच्छा एक और चीज़ मैंने, हाँ शुगर छोड़ के स्टीविया पीना स्टार्ट किया, स्टीविया ही मार्केट से जो ना नहीं मिल रहा है यार, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो अजीब ही फिलॉसफी है। तो ये बातें चीते हैं, बातें छाते हैं, और बस ये जी मेकअप के दुखड़े शुकड़े रो लिए हैं। जितना मर्ज़ी मेकअप कर लो और जितना मर्ज़ी मेकअप कर लो, एंड में आके ना किचन में ही मुंह देना है। तो यहाँ बस आ गए हैं हम किचन में, और दोपहर के टाइम में बच्चों ने स्कूल से आना था। इस टाइम ना उनको अजीब सा ही होता है कि जो है ना, मैं ना वैसे नॉर्मली 3 दफ़ा मेरे नाश्ते बनते हैं घर में, ठीक है, सुबह स्कूल के टाइम, फिर 10-11 बजे हस्बैंड ने जब जाना होता है, उसके बाद जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं 2:30-3 बजे, फिर लंच हो गए, नाश्ता कुछ भी हो गया, दोबारा बनना होता है। और यहाँ मैं बड़ी स्पीड मैंने तेज़ की हुई, यहाँ जो ना मैंने कहा चलें इनको मैं बना देती हूँ, सुबह ये जो होता है ना सैंडविच मेकर उसमें बना के दिए थे, अब जो है ना मैंने इनको फ्राई करके देने हैं, बिकॉज अब इन्होंने रोटी भी नहीं खानी और भी कुछ नहीं खाना, फ्रूट खा के भी इनका जो है ना, मतलब कि इनको क्या होता है, तसल्ली नहीं होती। तो मैंने कहा चलो यूँ बना के देते, मैंने यहाँ ब्रेड निकाली और आलू और चिकन के कबाब मैंने बना के रखे हुए थे, मतलब आलू कम थे चिकन ज़्यादा था उसमें, तो इतना बना के रखे हैं, वो मैंने फ्राई कर लिए हैं। और यहाँ बस मैंने स्लाइसिस पे ना एक एक स्लाइस पे और क्या कहते हैं केचप और मेयोनीज़ लगा देनी है, और बस इनको सैंडविच बना के दे देनी है। बाकी भी मैंने क्या काम करने, भी मैंने जो ना वैक्यूम फेरना है, बस एक दो काम मेरी विश लिस्ट में पड़े हुए हैं जो कि मुझे आज करने हैं, और खाना भी बनाना है या नहीं बनाना है वो भी मैं देखती हूँ। और ये जो कबाब मज़ेदार से फ्राई हो गए हैं, तो बस इन पे जो है हम पहले मेयोनीज़ और केचप लगाएंगे, उसके बाद बस सिंपल से कबाब लगाएंगे। इससे ये होता है टेस्ट तो वही रहता है, चीज़ें तो वही हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्राई कर दो ना ज़रा चेंज हो जाता है, मतलब आप ग्रिल करके भी दे सकते हैं, और कभी कभार मैं मेकर में भी बना देती हूँ, वो ज़रा और उसका मज़े का हो जाता है। और इस तरह आप थोड़ा सा एग और दूध में नमक काली मिर्च मैंने डाल के मिक्स करके रख लिया था, उसमें थोड़ा सा डिप करके, जैसे हम फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं ना उसमें हम शुगर डाल देते हैं, इसमें शुगर नहीं डालना, सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के इस तरह डिप कर दें और फ्राई कर लें, तो बड़ा मज़ा डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। वही ना चीज़ वही होती है, बस उसको डिफरेंट तरीके से बना के देना, तो बच्चे खुश होकर खा भी लेते हैं, तो हल्का फुल्का मन का चलें, इनका पेट भी फुल हो जाएगा, तो बस फिर उसके बाद पढ़ने बैठेंगे और शाम हो जाएगी, उसके बाद फिर खाने की तैयारी हो जाएगी, ऐसे ही दिन गुजर जाता है जी हमारा। और यहाँ बस मैं भी एक स्लाइस लूँगी, एक स्लाइस एक सैंडविच लूँगी और चाय का कप बनाऊँगी और बस जी पी लूँगी। यहाँ काम शाम से फारिग होगी, शाम के मतलब 6:30-6 बजे का टाइम है और मतलब 7 बजने वाले हैं। तो आज हमारा मूड बना था बट कढ़ाई खाने का, यार इतनी बट है ना, हम मरी गए थे तो जगह जगह बट ही बट नज़र आए थे, और कुछ नज़र आए ना, आई थिंक पहाड़ों से ज़्यादा तो बट कढ़ाइयाँ ही थी वहाँ पे, नहरी नथिया गली वाली साइड पे। और यहाँ हमने कढ़ाई एक ऑर्डर की और इतनी मज़े की लगी ना, सीरियसली बहुत ही मज़े की लगी हमें। और तो ये जो है ना लक्ष्मी चौक आई थिंक उस साइड पे है, तो वहाँ भी बड़ी ही बट है, अभी बट ही बट बैठे हैं, तो समझ नहीं आती जिनमें से असली और जेन्युइन कौन सा है। अब जेन्युइन क्या, अब तो उनके आगे जैसे नस्ल दर नस्ल ये बिजनेस एक चल रहा है, तो सब ने ही बट कढ़ाइयाँ खोल रही हैं। तो बट एनीवे यहाँ आज का हमारा डिनर था, यहीं बैंड करूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।